अररिया आरएस ओपी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में जनार्दन मेहता के घर चल रहे कृष्णा कन्हैया ज्वेलरी वर्कशॉप में शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा शटर उखाड़ कर लगभग 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस इलाके में यह दुकान है वह घनी आबादी का इलाका है। विदित हो कि 3 दिनों के अंदर शहर में ज्वेलर्स चोरी की ये दूसरी घटना है। वहीं चोरी की घटना दुकान के ऊपर बने मकान के ऊपर सो रहे गृह स्वामी को लगने के बाद गृह स्वामी के द्वारा दुकान के ऊपर से ही इट्टा फेंक कर मारने के बाद शोर शराबा किए जाने के बाद चोर भागने में सफल रहे। वहीं चोरी की घटना की जानकारी मकान मालिक के द्वारा कृष्णा कन्हैया ज्वेलरी वर्कशॉप के मालिक सुबोध कुमार स्वर्णकार को दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे सुबोध कुमार के द्वारा घटना की जानकारी अररिया आरएस ओपी थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे अररिया आरएस ओपी पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए सुबोध कुमार स्वर्णकार ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का शटर उखाड़ कर लगभग 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं चोरों के द्वारा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को भी लेकर चोर भाग गए। सर, ये रात की घटना है, 2 बजे आसपास में हमको मालूम चला, यहाँ क्या समाज लो जगह तो देखा कि हल्ला हो रहा था कि भाई क्या क्या, तो हमको फ़ोन किया गया सुबह जी आपका दुकान का ताला टूट गया, आप आइए। तो हम लोग आए यहाँ पे तो देखे मेरा दुकान का ताला टूटा हुआ था, अंदर घुसे तो अंदर का गोदरेज भी टूटा हुआ था, शोकेस का सारा सामान लेके चले गए थे और कुछ सामान जाते समय उसका बाहर गिर गया था डिब्बा वगैरह, तो वो फिर अंदर रख दिए हैं। दुकान में कैमरा लगा हुआ था, कैमरा को आगे पीछे कर दिए, उसका तार काट दिए और सीडी लगा हुआ था वो उसको ले चले गए हैं, और वीसीआर डीसी जो होता है वो सारा चीज़ ले चल गए हैं। इसका काफ़ी क्षति हुआ मेरा। कितना का क्षति का अनुमान है सर? अभी तक तो ऐसा कुछ देखे नहीं हम लोग अंदर जाके ऐसा कुछ, फिर भी 1-2 लाख तो सर अभी समय में सोना चांदी काफ़ी महंगा है, 1-2 लाख तो आज से आम बात है। 5 लाख तक भी होता जी? नहीं, अभी देखने के बाद 1-2 लाख तो हमारे ख्याल से गया ही है। जी, मेरा नाम सुबोध कुमार सोनकर हुआ, मेरा घर धामा मटियारी वार्ड नंबर 1 में आता है। ये देखिए, ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है कि लोग अपने मेहनत का पूंजी जमा करके रखते हैं और चोर आता है, शटर तोड़ता है और सामान सब लेकर फुर हो जाता है। ये वाकई मतलब कि अररिया जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। और अभी जो सुबोध जो है कृष्ण कन्हैया ज्वेलर है, वो मार्केट के बीचों बीच है, गश्ती हमेशा होती है पुलिस की, उसके बाद भी अगर क्रिमिनल उस तरह से ये करे और फिर जब विरोध किया गया तो पत्थर चलाया, अगर ज़्यादा विरोध होता तो हो सकता है गोली भी चल जाता। और ये गहना ज्वेलर से लेकर अररिया कोट काली मंदिर के बगल में जो ज्वेलर्स है, 2 दिन पहले ही उसमें भी 25-30 लाख की गहना की ज्वेलरी की चोरी हुई है, यहाँ भी लाखों की गहना की ज्वेलरी की चोरी हुई है। तो ये जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है क्रिमिनल जो है गहना ज्वेलर्स को जो सोने चांदी की दुकान है उस पर टारगेट कर रहे हैं, बैंक है उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है, इन लोगों में बहुत आक्रोश है, हमको भी बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ लोगों ने हमको भी उल्टा सीधा बोला। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ये ऐसी घटना नहीं हो, नहीं तो लोगों में उबाल आएगी तो ये समस्या और बढ़ेगी और लोग सड़क पर आ जाएंगे।